हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सीको सीए स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की सीरीज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये 4 to 5 मार्क्स का एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ स्वॉट एनालिसिस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉप पार्ट्स जो कि मैंने स्किप कर दिए थे स्वॉट एनालिसिस की वीडियो में। अगर आपने मेरी स्वॉट एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा स्वॉट एनालिसिस का। अब वहां पर जाके स्वॉट एंड टॉस दोनों मैट्रिक्स दोनों जाके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं दोनों वीडियोस। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ स्वॉट एनालिसिस लाइज इन फॉलोइंग पॉइंट्स। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ स्वॉट एनालिसिस। ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है सिग्निफिकेंस बताओ स्वॉट एनालिसिस का, तो आप उस केस में आप पहले तो इंट्रोडक्शन दे देंगे स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। स्वॉट एनालिसिस इज द कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट इन सिस्टमैटिक मैनर इज नोन एज स्वॉट एनालिसिस। तो आप ये बता सकते हैं इस स्वॉट एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे सकते हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ पहले, तो मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। फिर मैं मेन पार्ट पे आता हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ स्वॉट एनालिसिस। सबसे पहले इट प्रोवाइड अ लॉजिकल फ्रेमवर्क, ये प्रोवाइड करता है लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर सिस्टमैटिक एनालिसिस। एक लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है स्वॉट एनालिसिस, हमें क्या प्रोवाइड करता है एक लॉजिकल फ्रेमवर्क। आप सब समझ रहे होंगे कि मैंने आपके साथ स्वॉट एनालिसिस डिस्कस करता था जियो का, तो हमें एक फ्रेमवर्क मिल गया था कि जियो कंपनीज की क्या क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज हैं, थ्रेट्स हैं, तो हमें वो सब चीजें हमें पता लग गई थी, तो हमें एक फ्रेमवर्क मिल जाता है। तो इट प्रोवाइड लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर सिस्टमैटिकल एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस प्रोवाइड अ लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर सिस्टमैटिक एंड साउंड एनालिसिस ऑफ इश्यूज विच शोज इम्पैक्ट ऑन बिजनेस सिचुएशन एंड चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजीज, कि हमने कौन सी बिजनेस सिचुएशन में कौन सी स्ट्रेटेजी चूज करनी है। तो ये हमें एक लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है कि हम कौन सी सिचुएशन में कौन सी स्ट्रेटेजी चूज करें, स्वॉट एनालिसिस के द्वारा हमें ये मिल जाता है। इट प्रोवाइड कंपैरेटिव एनालिसिस प्रोवाइड करता है। इट कंपैरिजन बिटवीन द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स विद इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कंपेयर करता है एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को विद इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के साथ। तो इट प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एक सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट करता है, सो दैट इट कंपेयर द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स विद इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फिर इट गाइड्स स्ट्रेटेजी को आइडेंटिफाई करने के लिए स्ट्रेटेजी को गाइड करता है। अगर स्ट्रेटेजीज को कोई स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करनी है तो उसमें भी हेल्प करता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस गाइड द स्ट्रेटेजीज टू थिंक ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी। तो ये हेल्प करता है स्ट्रेटेजिस्ट को ताकि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो ओवरऑल पोजीशन पता लगा पाए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ओवरऑल पोजीशन पता लगा पाए और कौन सी स्ट्रेटेजी फिट है इस पोजीशन पे, तो वो स्ट्रेटेजी को आइडेंटिफाई कर पाए, ये हेल्प करता है। तो इट हेल्प्स टू क्राफ्ट स्ट्रेटेजीज में हेल्प करता है। स्वॉट एनालिसिस हेल्प द मैनेजर टू क्रिएट अ बिजनेस मॉडल दैट अलाउ द कंपनी टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन इट्स इंडस्ट्रीज। तो ना कि ये किसी मतलब कि कॉम्पिटिटर से हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलाता है, ये हमें पूरी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाता है स्वॉट एनालिसिस। अगर हमने स्वॉट एनालिसिस कर रखी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमें क्या हो सकता है, हम गेन कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रेटेजीज अगेंस्ट आवर राइवल्स फर्म्स। ठीक है, तो होप्स आपको समझ आ गया होगा सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस। मैंने आपके साथ डिस्कस करे 4 सिग्निफिकेंट फीचर्स होते हैं। सबसे पहले लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, फिर उसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस मतलब कंपैरिजन प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट या इंटरनल फैक्टर्स के बीच। फिर उसके बाद हमें गाइड करता है स्ट्रेटेजीज को फॉर आइडेंटिफाइंग दी स्ट्रेटेजी। फिर उसके बाद क्राफ्ट करता है या क्रिएट करता है स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस।
अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कुछ और पॉइंट्स जो कि इम्पॉर्टेंट है स्वॉट एनालिसिस के लिए। आफ्टर स्वॉट एनालिसिस मैनेजर थिंक स्ट्रेटेजिकली एंड क्रिएट वेरियस स्ट्रेटेजीज। तो मैनेजर्स क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग आ जाती है उनके पास, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आ जाती है जब स्वॉट एनालिसिस कर पाते हैं। तो स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल ये स्ट्रेटेजीज क्रिएट करते हैं। जैसे ग्लोबल स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं फॉर वर्ल्ड ऑपरेशन, पूरे वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन करने हैं तो ग्लोबल स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे। फिर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे फॉर रनिंग द फैमिली बिजनेस, फैमिली बिजनेस को रन करना है तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्रिएट करेंगे फॉर रनिंग इंडिविजुअल बिजनेस। फिर फंक्शनल स्ट्रेटेजीज क्रिएट करेंगे एट द लोअर लेवल फॉर मार्केटिंग फाइनेंसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, फॉर मार्केटिंग फाइनेंसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। फिर एट लास्ट एक छोटा सा पॉइंट है, एन ऑर्गेनाइजेशन स्वॉट एनालिसिस कैन बी डन विद द फोर फैक्टर्स। हमें पहले भी बताया बात, तो क्या क्या वो फोर फैक्टर्स होते हैं, अगर अलग से क्वेश्चन आ जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के स्वॉट एनालिसिस के चार फैक्टर्स बताओ, तो आप लिख सकते हो इस तरीके से, पोटेंशियल रिसोर्सिस स्ट्रेंथ एंड कॉम्पिटेटिव कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल रिसोर्सिस स्ट्रेंथ एंड कॉम्पिटेटिव कैपेबिलिटीज। फिर उसके बाद आता है पोटेंशियल रिसोर्सिस वीकनेस एंड कॉम्पिटेटिव लिमिटेशन, ठीक है। फिर आता है पोटेंशियल कंपनीज अपॉर्चुनिटीज, फिर पोटेंशियल एक्सटर्नल थ्रेट्स टू द कंपनी वेल बींग। तो एक्सटर्नल थ्रेट्स, तो स्ट्रेंथ आती है, फिर आती है वीकनेस, फिर अपॉर्चुनिटी थ्रेट। तो ये हमारी स्वॉट एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट रिलेवेंट पॉइंट्स थे फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया इस वीडियोस में। अगर आपको इस टाइप की और वीडियोस चाहिए कुछ कोई भी मतलब किसी भी रेलेवेंट टॉपिक, एसएम से कोई भी रेलेवेंट टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे रेलेवेंट वीडियो चाहिए, सो दैट कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।